हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। लीजिए एक बार फिर आज के लेसन के बारे में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शोले का थीम लेसन है, ये थीम सॉन्ग है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे पता है कमेंट्स जो है वो गिने चुने लोग ही बताएंगे कि हाँ सर मैंने भी ये रिक्वेस्ट किया था। वो लोग जरूर बताएंगे सर मैंने रिक्वेस्ट किया था, मुझे मेरा तो लेसन पोस्ट ही नहीं किया आपने। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सबके लिए कोशिश करता हूं, थोड़ा वक्त की कमी रहती है तो देखना पड़ता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आज ये लेसन बताऊंगा आपको। इसमें जितने भी पार्ट हैं बहुत सारे पार्ट हैं, जितने भी कॉर्ड हैं बहुत सारे कॉर्ड हैं, सारे बताऊंगा, सारी कोशिश करूंगा एक एक करके क्लियर कर दूं। रिदम सेक्शन है, रिदम सेक्शन में थोड़ा सा हॉचपॉच हो जाता है लोगों को, वो भी कोशिश करूंगा आसानी से। आपने सुना होगा जब मैंने इंट्रो बजाया तो मैंने दो अलग अलग पैटर्न प्ले किए हैं, एक ओरिजिनल और एक सिमिलर, तो दोनों बता दूंगा। जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बजाएंगे उसके लिए भी ये पूरा एक चार्ट मैंने तैयार कर दिया आप लोगों के लिए, सारा लिख दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और स्लो टेम्पो पे बजाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से बजा लेंगे, फिर कोई मिस्ट्री इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं रह जाएगी। तो ये 16 नोट पैटर्न इसके अंदर लिखा है मैंने, और बजा के भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे बजेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक चैनल है मेरे छोटे ब्रदर का, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ, इसका नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। इस चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा। इसके पीछे दो कारण है, एक तो ये आपके काम आएगा और दूसरा अगर कभी बाई चांस मेरा चैनल बंद हो गया तो मेरे अगले वीडियोज आपको वहां मिलेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे ढूंढते रहें और मैं आपको ना मिलूं और वो चैनल का नाम भी आपको याद ना रहे, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को तो मेरा ये सजेशन है और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। छोटा सा चैनल है मगर वहां पे काम की बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपके काम आए कभी। चलिए शुरू करते हैं। डी मेजर का गाना है बेसिकली, ये थीम सॉन्ग है। और सबसे पहले हारमोनिका का पार्ट देख लेते हैं, यहां से भी बजा सकते हैं, यहां से भी बजा सकते हैं, जहां से अच्छा लगे। सेवेंथ फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग का, 5-7 सेकेंड स्ट्रिंग और 7 फर्स्ट स्ट्रिंग का। उसके बाद दोबारा से 7 सेकेंड स्ट्रिंग, 7 फर्स्ट स्ट्रिंग और 7 सेकेंड स्ट्रिंग, तो पूरा हो जाता है ऐसा। सेकेंड पार्ट जो है वो सारा सेम है, यहां तक सेम है, और उसके बाद फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का ई नोट, ये बस एक नोट बदला है, एफ शार्प आना था उसकी जगह हमने ये कर दिया है। तो दा 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 दा, बस आगे चलेंगे ना ना, यहां रुकते हैं। 8-7-5 सेकंड स्ट्रिंग के लिए, 7 थर्ड स्ट्रिंग, 5 सेकेंड स्ट्रिंग और 6 थर्ड स्ट्रिंग, यहीं से आगे आएगा। तो 6 और 7 थर्ड स्ट्रिंग, 5-7-8 सेकेंड स्ट्रिंग, 5 और 7 फर्स्ट स्ट्रिंग और 9 फर्स्ट स्ट्रिंग, आगे चलेंगे। 5-7 फर्स्ट स्ट्रिंग, 8-7 सेकेंड स्ट्रिंग, ये हो गया।
आइए रिदम सेक्शन पे चलते हैं। डी मेजर का कॉर्ड लगेगा, डी टू का कॉर्ड लगेगा, सेकंड फिंगर को हटा दीजिए फर्स्ट स्ट्रिंग से, फिर वापस डी का कॉर्ड लगेगा और डी फोर बन जाएगा, यानी कि थर्ड स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर के नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट पकड़ लीजिएगा तो डी फोर में आ जाएंगे आप। तो ये कॉर्ड बन रहा है आपका, और इसके लिए आपने रिदम के साथ फॉलो करेंगे आप इसको, तो डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, ऐसा डाउन डाउन अप। अब समझने की बात ये थी दोस्तों, ये तो ओरिजिनल है, अगर आप इसे काउंट कर सकते थे तो काउंट करके देखिए, यानी कि आपका जो तीसरा स्ट्रोक है, पहले डी टू से आप शुरू कर रहे हैं और डी कॉर्ड बजा रहे हैं थर्ड स्ट्रोक पे, जहां पे अप स्ट्रोक आएगा ऐसा, और अगले तीन स्ट्रोक अप डाउन अप डी ही रहेगा, तो डाउन डाउन अप डाउन अप ऐसा ही रहा। और उसके बाद डाउन स्ट्रोक के बाद जब एक और अप, यानी कि थ्री का ई नोट जो आएगा, वहां पे आपको डी फोर का कॉर्ड यूज कर देना है, और फिर उसके बाद में अप स्ट्रोक और अप डाउन अप, यहां खत्म होता है। और दूसरे पैटर्न के अंदर सारा सेम है, सिर्फ लास्ट की जो दो बीट हैं उनके ऊपर आपको कंटिन्यूअसली डाउन अप करना है, तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसा। ये पहला पैटर्न, दूसरा सिमिलर है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रोक बढ़ा है उसके अंदर, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी जैसे मैंने आपको ये चार्ट पहले भी दिखाया, कंप्लीटली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके आप इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल बजा सकते हैं। डंग द डंग द द द द डंग डंग द द द डंग द डंग द द द द डंग डंग द द द, गिनती बड़े आराम से आपकी पूरी होती है और म्यूजिक जो है वो आराम से बच जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी पहले मेन थीम देखेंगे, फिर उसके जो आगे के पार्ट हैं वो सब देखेंगे, और उसके साथ साथ कॉर्ड मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि अलग से बताना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे अभी दिख रहा है 10 मिनट करीब होने को आ गए हैं। तो मेन थीम में देख लेते हैं, इतना देखेंगे, थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग का, फिफ्थ फ्रेट आपका फर्स्ट स्ट्रिंग का, सेवेंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, एट फ्रेट, फिर 7/8 मिला लीजिए इसको ऐसा, उसके बाद क्योंकि हारमोनिका का साउंड मिल रहा है और आपका सेक्सोफोन का साउंड मिल रहा है, पियानो कीबोर्ड का साउंड मिल रहा है, तो ये जो नोट है ऐसा, तो वो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, दा, 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 दा,
कैसा है। तो यहां तक हमने किया, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। सेवेंथ फ्रेट, उसके बाद 3-5-3-5 ऐसा, ये हो गया फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में कॉर्ड ले लीजिए, इस फर्स्ट लाइन में डी मेजर रहेगा, दा दा रा दा, सी मेजर, दा दा, जी मेजर, दा दा रा दा, डी मेजर। तो ये कॉर्ड है इसके, ऐसा रहेगा। सेकेंड लाइन की सेम है, थोड़ा सा फर्क है, यहां तक हमने बजाया हुआ है। थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 7-8-7-8 ये फर्स्ट स्ट्रिंग। आगे चलेंगे, फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, जी आपका 8 फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 5-8 और फिफ्थ, 5 और 8 जो है आपका सेकेंड स्ट्रिंग और 5 जो है फर्स्ट स्ट्रिंग का। तो ये लाइन बस इतनी सी चेंज हुई है। ऐसा है। सेकेंड लाइन के लिए देख लीजिए, सेम कॉर्ड में जा रहा है। आगे चलेंगे तो जो नोट है यहां पर जो पार्ट है वो है आपका ए फिफ्थ फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग का, जी और एफ एट फ्रेट और सिक्स फ्रेट आपका सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। और जो रिदम के साथ कॉर्ड बनेगा वो बनेगा जनरली सिर्फ एफ लगा के काम चलता है, लेकिन मैं समझता हूं जो लोग शोज बजाते हैं उनके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए। ऐसा आप लगाएं हाफ काउंट में लेकर के उसको जाएं, ए माइनर एफ और सॉरी ए माइनर जी और एफ का कॉर्ड लगाएं। ये लगाइए यहां तक, उसके बाद नोट है आपके, ये नोट बज रहा है तादा, ए, ए, ए और ई दोनों फिफ्थ फ्रेट है फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के लिए। आगे चले, ई जी शार्प, ई फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग का, जी शार्प फोर्थ फ्रेट, बी आपका सेवंथ फ्रेट और ई जो आपका वो है 12th फ्रेट। उसके बाद में डी नोट 10th फ्रेट, सी 8th फ्रेट और फिर दोबारा सी और बी, ऐसा बजेगा। तो ये मेन थीम पूरी हो जाती है, दो बार आपको बजानी है। और अब इस पूरी मेन थीम के कॉर्ड मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए। पहले डी दोबारा रिपीट होगा, उसके बाद ना 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 आपका ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, दा दा, ई मेजर का कॉर्ड लगेगा, उसके बाद दा 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 दा, ई मेजर ही रहेगा, दा, ई सेवन का कॉर्ड लगेगा यहाँ पे, दा, दा, उसके बाद सी मेजर का कॉर्ड लगेगा, दा, और ई मेजर का कॉर्ड लगेगा। और उसके बाद फिर आपका ये रिदम पैटर्न लौट आएगा, दो बार के लिए ये यूज होगा दोबारा से। और उसके बाद आपका जो पार्ट आएगा वो गिटार का पार्ट आएगा, देख लेते हैं। डी मेजर बार शेप में आएगा यहां पर,
पार्ट है। तो फिफ्थ फ्रेट है आपका फिफ्थ स्ट्रिंग का, फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग का, और सेकंड और फोर्थ थर्ड स्ट्रिंग के लिए ये 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2 बस इतना करना है, खत्म। ऐसा रहेगा, सेम करना है बराबर आपको कंटिन्यूअसली। उसके बाद सी नोट थर्ड फ्रेट है फिफ्थ स्ट्रिंग का, सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग का, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का, और फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का, और उसके बाद सेम पार्ट वही ये। तो ऐसा, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो सेकंड और थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग के लिए, और सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग के लिए, और फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का सेम है, और लास्ट में E7 के कॉर्ड के लिए फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग के लिए और थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग के लिए, और सेम वही ये चार बार के लिए खत्म हो जाता है। देख लेते, दो बार बजेगा पूरे का पूरा पार्ट, देख लीजिए। सिंपल है, बस ये आपको दो बार बजाना है। आगे चलेंगे इस पार्ट के लिए, तो डी नोट और ई नोट ट्रेमोलो कीजिए, ये डी नोट थर्ड फ्रेट और ई नोट फिफ्थ फ्रेट, ये आगे चलेंगे, यहीं से आएगा। थर्ड फ्रेट है, फिफ्थ फ्रेट और सिक्स फ्रेट है, इनको बजाना है। तो 3-6 और 5 और 3-5-3 एक, दूसरी बार में थ्री सिक्स फाइव ये ना 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 ऐसा दादा दादा दा एक दादा दादा दा दो। इसके बाद ये सेवेंथ फ्रेट ट्रेमोलो करना है आपको फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, और फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग के लिए, और एक बार ये 5 और 5 दोनों के लिए एक ऐसा। उसके बाद स्लाइड करके पीछे आ जाइए ए नोट के लिए यानी कि फिफ्थ फ्रेट के लिए, और डी नोट थर्ड फ्रेट के लिए, फिर से ट्रेमोलो, और ये सेम 1 ये। तो सेम पार्ट पूरा दोनों दो बार रिपीट होगा, ये फिर दोबारा से ऐसा। आगे चलेंगे ये कुछ नहीं है, माइनर सिक्स का नोट चल रहा है इसके अंदर। सेवेंथ फ्रेट फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए और सिक्स फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग के लिए पूरा मिलाइए। आपको बजाना है ये चार बार यानी कि 6-5 सेकंड स्ट्रिंग और सेवेंथ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग के लिए। तो ऐसा, और दूसरी बार ऐसा भी कर सकते थे, 5-6-5 और स्लाइड कर दीजिए थर्ड पे, ये भी डी नोट ही है। तो वेरिएशन कर सकते हैं जब आप लाइव बजाते हैं, तो इस तरीके का थोड़ा सा वेरिएशन आप कर सकते हैं, वरना ओरिजिनल तो ये नोट रहेंगे। आगे चलें, तो ये पार्ट आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद जो आपका पार्ट है
वो कीबोर्ड से लेकर के आता है, देख लेते हैं। ऐसा तो डी नोट से आ रहा है, थर्ड फ्रेट है, और जी नोट थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग का, सेवेंथ फिफ्थ फ्रेट और सेवेंथ फ्रेट और फिफ्थ फ्रेट वापस और थर्ड फ्रेट फिफ्थ फ्रेट थर्ड फ्रेट तीन बार और फाइव थर्ड सेकेंड स्ट्रिंग का ऐसा ना 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 एक लाइन दूसरी में ता 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 बस इतना चेंज है, डी नोट पे नहीं है, ई पे रुकेगा। ये ना ता ता ती ता ता ती ना 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 यहां पर रुकेगा बस। नेक्स्ट लाइन जो है तो थ्री थ्री सेकेंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग, फाइव सेवन फाइव थ्री फाइव और टेंथ फ्रेट, ये और बी सेवेंथ फ्रेट जी और ए थ्री और फाइव, तो पूरा हो जाता है। ऐसा स्लो करके बजा दे रहा हूं पूरा, देख लीजिए। ऐसा है तो ये पूरा पार्ट है आपका, उसके बाद फिर से आपकी मेन थीम आ जाएगी और मेन थीम आपको पूरी बजानी है और पूरी बजाते टाइम आपको लास्ट में जो थीम आएगी पूरा देख लीजिए आप उसको। ऐसा इसके बाद ये दो नोट आएंगे, यहां पर आप छोड़ेंगे और नाइन और टेन यहां खत्म होगी। अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों कि सिंपली आपको एक बार इसको पूरा सुनना है, जब आप ओरिजिनल सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये सारे पार्ट आपके पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जिन लोगों ने सुना हुआ है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं सुना है एक बार इसको सुनिएगा, सुन करके आपको सारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। तो ये लेसन है, बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा होना भी था क्योंकि काफी जब ट्यूटोरियल बनता है तो वो लंबा ही रहता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया है तो जरूर बताइएगा मुझको। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।